सो हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। सो आज की वीडियो में बात करेंगे टीवीएस के अपकमिंग बाइक्स के ऊपर। हमने जो है बजाज की बाइक्स के बारे में बात की एंड जो है रॉयल इनफील्ड और यामा, इन सब के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन अभी बात करेंगे आज टीवीएस के बारे में। टीवीएस की जो अपकमिंग बाइक्स हैं जो आपको 2021 में देखने को मिलेगी, उन बाइक्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारे पास आती है टीवीएस अपाचे आरआर 310 का नेकेड वेरियंट। इसमें क्या होगा, इंजन तो आपको सेम मिलेगा आरआर 310 का, बट जो लुक्स है, जो फीचर्स है, वो टोटली डिफरेंट होने वाले हैं। सो यहाँ पे ये जो बाइक है लगभग जो है मई के मंथ तक जो है आने वाली है, मई 2021। सो आप जो है इस बाइक के लिए वेट कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो गाइस आपको बता दूँ इस बाइक के कुछ फीचर्स के बारे में। इस बाइक में जो है आपको बता दूँ, फ्रंट में जो है फुली LED प्रोजेक्टर्स मिलेंगे जो कि LED में होने वाले हैं। उसके अलावा जो है आपको TFT मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें फीचर्स आपको सारे मिलेंगे। उसके अलावा जो है राइडिंग मोड्स मिलेंगे जैसे कि रेन मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड जो है अर्बन वगैरह। तो ये सारे मोड्स जो है आपको मिल जाएंगे जो RR 310 में मिलते हैं। उसके अलावा आपको जो है इस बाइक में सारे फीचर्स मिलेंगे इसके मीटर कंसोल में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि माइलेज वगैरह शो करना, रेंज वगैरह शो करना एंड जो है यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर वगैरह और जो है पूरा TFT में देखने को मिलेगा। सो सारे बेसिक फीचर्स तो मिलेंगे ही, वो तो आजकल जो आपको SP125 में भी मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन है वो है कि इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी, स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी एंड जो है राइडिंग मोड। सो ये सब जो आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है इस आपको ड्यूअल चैनल ABS भी इस बाइक में मिलने वाला है। फ्रंट में जो आपको वही साइज मिलेगा डिस्क का जो आपको RR 310 में मिलता है। सो ब्रेकिंग सिस्टम भी जो है बिल्कुल सेम होने वाला है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलेगी, आपको काफ़ी हद तक जो है रियर से बाइक देखने में सेम लगे, बट फ्रंट जो है बिल्कुल इसका चेंज कर दिया जाएगा। फ्रंट से जो आपको काफ़ी यूनिक एंड जो है काफ़ी मस्कुलर ये बाइक लगने वाली है। आपको बता दूँ कि इसमें टायर्स वगैरह वही RR 310 के मिलेंगे। सो यहाँ पे जो है कहने का मतलब है कि बाइक का जो लुक्स है वो चेंज किया जाएगा, ना कि इसके फीचर्स। सो फीचर्स जो आपको वही मिलेंगे जो आपको RR 310 में मिलते हैं। स्टार्टिंग मैंने बोला कि RR 310 से बिल्कुल डिफरेंट इन द सेंस, मतलब जो लुक्स है वो टोटली जो है चेंज कर दिया जाएगा RR 310 के कंपेयरिंग में। सो आपको बता दूँगा ये जो है एक बेस्ट नेकेड स्ट्रीट फाइटर हो सकती है 300cc में। सो आप जिस बाइक के लिए वेट कर सकते हो, प्राइस जो है लगभग 2 लाख रुपीज़ तक एक्स शोरूम जा सकती है, ऑन रोड जो है लगभग 2.30 या फिर 2.40 लाख तक जाए। सो आप जो इस बाइक के लिए वेट जरूर करना यदि आप 300cc बाइक करने वाले हो तो। सो चलिए इस बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। सेकंड बाइक हमारे पास आती है TVS चैपलिन, जिसका कि 100% कंफर्म हो चुका है। चैपलिन जब ऑटो एक्सपो में शोकेस की थी उस टाइम पे जो है इसमें 220cc का इंजन बताया गया था, लेकिन आपको बता दूं इंडियन मार्केट की जो ग्रोथ है उसको देखते हुए जो है अभी चैपलिन को लॉन्च किया जाएगा 310cc या फिर जो है 350cc। सो यहाँ पे जो है 220cc में आपको ना देखने मिले, बिकॉज 220cc में कोई भी क्रूजर लेना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज उनको जो है क्रूजर से पावर भी काफ़ी अच्छी चाहिए एंड जो उससे कम्फर्ट भी। सो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं इंजन भी जो है मैटर करता है। सो ऐसे में जो है इसको 350cc में जो है लॉन्च किया जा सकता है लगभग मई 2021 में जो इसको लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दूंगा इसके लिए जो है हर कोई वेट कर रहा है, बिकॉज ये जो क्रूजर बाइक है इसका जो लुक्स है वो जो है काफ़ी अच्छा है, बिकॉज एक नज़र में जो है ये बाइक किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। सो ऐसे में जो है हर कोई इस क्रूजर के लिए वेट कर रहा है, TVS के इस क्रूजर के लिए, और इसको जो है काफ़ी साल जो है हो चुके हैं शोकेस किए हुए। सो अभी जो है इसको टाइम आ गया कि इसको जो है लॉन्च किया जाए इंडियन मार्केट में। इसका जो ट्रेडमार्क है वो भी जो है रजिस्टर हो चुका है। सो ये तो कन्फर्म है कि लॉन्च होगी आज नहीं तो कल। सो ऐसे में आपको बता दूँ इसके फीचर्स के बारे में, लगभग 350cc का आपको इसमें इंजन मिलेगा जो कि ट्विन सिलेंडर नहीं होगा, सिंगल सिलेंडर होने वाला है, बिकॉज ट्विन सिलेंडर दिया तो प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में जो है सिंगल सिलेंडर इसको रखा जाएगा। यहाँ पे जो है ये बाइक 28 BHP तक की पावर आपको देगी एंड 26 Nm तक का टॉर्क। उसके अलावा जो है 6 स्पीड का आपको गियरबॉक्स मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें कि आपको कुछ राइडिंग मोड्स भी मिलेंगे एंड उसके अलावा जो है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जैसे कि इनका स्मार्ट एक्स कनेक्ट आता है, सो वो जो है फीचर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोबाइल कनेक्टिविटी का। यहाँ पे आपको बता दूँ फुल्ली LED हेडलाइट मिलेगी, ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा, डिजिटल मीटर कंसोल जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो है इसकी जो प्राइस है वो जो है आपको ऐसी मिलेगी कि उस प्राइस में शायद आप इस बाइक के अलावा किसी और बाइक की तरफ ना जाओ, बिकॉज ये जो बाइक है फीचर लोडेड होने वाली है, लुक्स के मामले में जो है सबसे ग्रेट होने वाली है। सो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो लगभग जाएगी 1.90 लाख एक्स शोरूम। सो आप जो है इस बाइक के लिए वेट कर सकते हो, जो प्राइस बताई वो जो है एक्सपेक्टेड प्राइस है, कन्फर्म प्राइस जो है नहीं है। सो यहाँ पर जो आप इस बाइक के लिए वेट कर सकते हो। सभी बात करते हैं इस थर्ड बाइक के बारे में। थर्ड बाइक जो हमारे पास आती है वो एक बाइक नहीं, वो एक स्कूटर है। इसमें जो है आपको एक स्कूटर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा TVS का जुपिटर जो है 125cc में अब आपको देखने को मिलेगी, जो कि डायरेक्ट कंपटीशन देने वाली है एक्टिवा 125 को। आपको पता है जुपिटर जो है एक्टिवा के बाद काफ़ी अच्छी जो है मार्केट को
जो है कवर करता है। व्यूज यहाँ पे जो है एक्टिवा जुपिटर, यही दो ऐसे स्कूटर्स है जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा दिखते हैं रोड्स पे। सो यहाँ पे जुपिटर को भी 125 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि आपको पावर वगैरह काफी अच्छी मिलेगी। एंड यहाँ पे जो है एक स्मार्ट स्कूटर भी आप इसको बोल सकते हो, जो फीचर्स आपको एंटॉर्क में मिलते हैं वो शायद इसमें भी आपको देखने को मिले। एंड जो है कहीं ना कहीं एक्टिवा 125 को फिर ये जरूर धूल चटाने वाली है, बिकॉज इसमें जो आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी मिलेगी जो कि आपको एक्टिवा 125 में नहीं मिलती है। सो ये आप जो है स्कूटर के लिए भी वेट कर सकते हो। इसकी जो प्राइस लगभग जाएगी 68,000 एक्स शोरूम, ऑन रोड जो है लगभग जाएगी लगभग 80,000 तक ऑन रोड जाएगी। सो आप जो इस बाइक के लिए या फिर स्कूटर के लिए वेट जरूर करना। यहाँ पे जो है मार्च में लॉन्च होने वाली है, मार्च 2021 में ये जो स्कूटर है एक मतलब अपने सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स के साथ में आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो बाकी चलिए इस बात करते हैं फोर्थ बाइक के बारे में। फोर्थ बाइक हमारे पास आती है TVS की फेरो 125। ये जो बाइक है जून से जुलाई के बीच में लॉन्च होने वाली है। कुछ दिन पहले जो है इसका ट्रेडमार्क भी रजिस्टर हो चुका है फेरो 125 के नाम से। एंड आपको बता दूं ये जो बाइक है अपने सेगमेंट में कुछ ऐसे फीचर्स के साथ में आएगी जो कि आपको अभी तक किसी भी बाइक में आपको नहीं देखने मिलते 125 सीसी सेगमेंट में। सो यहाँ पे आपको बता दूं ये बाइक जो है डायरेक्ट टक्कर देने वाली है आपकी SP 125 एंड जो है पल्सर 125 को। इस बाइक में आपको जैसे कि फीचर्स मिलेंगे जैसे स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी, उसके अलावा जो है आपको इसमें कुछ अलग से फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फ्रंट में आपको डिस्क मिल सकता है, उसके अलावा जो आपको रियर में भी डिस्क का ऑप्शन मिल जाए। तो ऐसे ही कुछ आपको फीचर्स मिलेंगे जो कि अपने सेगमेंट में इस बाइक को फर्स्ट इन सेगमेंट बनाने वाले हैं फीचर्स के मामले में। सो आप इस बाइक के लिए वेट जरूर करना। इस बाइक में जो है आपको वही 124 cc का इंजन मिलेगा, जिसमें कि आपको लगभग 12 BHP तक की पावर एंड जो है 11 Nm तक का टॉर्क, 5-speed का गियरबॉक्स मिल जाएगा, 120 तक की हाई स्पीड दे देगी। एंड यहाँ पे जो है आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छी देगी, लगभग 50 से 60 तक की। सो आप इस बाइक के लिए वेट कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हैं, मेरे को जरूर बताना। इस बाइक में जो आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें कि आपको माइलेज वगैरह, रेंज वगैरह, स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी, ये सब सारे फीचर्स जो आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। सो फीचर्स जो है काफ़ी अच्छे मिलेंगे इस बाइक में। सो यहाँ पे जो है TVS अपनी इस बाइक को लॉन्च करेगा जून से जुलाई के मंथ में। एंड यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो लगभग जाने वाली है 70 से 75,000 रुपीज़ तक एक्स शोरूम। सो यहाँ पे ऑन रोड जो है ये भी लगभग 90,000 तक जा सकती है। सो आप इस बाइक के लिए भी वेट कर सकते हो। अभी चलते हैं लास्ट बाइक की तरफ। लास्ट बाइक हमारे पास आती है TVS RTR 250 नेकेड। आपको पता है बजाज के पास भी, यामा के पास भी, सुजुकी के पास भी, ऑलमोस्ट जो है काफ़ी सारे ब्रांड्स के पास 250 cc नेकेड या फिर जो है फेयरिंग बाइक है, लेकिन जो है TVS के पास कोई भी बाइक नहीं है। ऐसे में जो है क्या है कि TVS कंपटीशन से बिल्कुल ही बाहर है, और 250 सीसी में जो है आजकल कुछ ज़्यादा ही क्रेज बढ़ रहा है, बंदे जो है 250 को लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सो ऐसे में जो है RTR 250 को लॉन्च किया जाएगा। RTR 200 को जो है 250 सीसी के इंजन के साथ में लॉन्च किया जाएगा। उसके लुक्स को जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, थोड़ा सा और रीडिज़ाइन करके थोड़ा सा और प्रीमियम उसको बनाया जाएगा। सो ऐसे में जो है RTR मतलब अपाचे सीरीज भी जो है इस अपने कंपटीशन में उतरने वाली है इस सेगमेंट में। सो आप इस बाइक के लिए भी जरूर वेट करना। अभी चलते हैं इस बाइक के स्पेक्स के बारे में कि क्या कुछ आपको इस बाइक में मिलेगा। आपको बता दूं 250 सीसी सेगमेंट में यदि बाइक लॉन्च होती तो आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको किसी भी 250 सीसी बाइक में नहीं मिलते। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे राइडिंग मोड्स आपको मिल सकते हैं, स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी जो कि आपको TVS की ही बाइक में देखने को मिलते हैं 200 सीसी बाइक में। एंड यहाँ पे आपको TFT मीटर कंसोल देखने को मिलेगा जो कि किसी भी 250 या फिर जो है 300 सीसी तक भी किसी बाइक में नहीं मिलता। सो ये जो है कुछ ऐसे फीचर्स होने वाले हैं जो कि आपको ओनली फर्स्ट इन सेगमेंट देखने को मिलेगा इस बाइक में। इस बाइक में जो है आपको 250 सीसी का इंजन, 29 BHP तक की पावर एंड जो है 24 Nm तक का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा, 6-speed का गियरबॉक्स, राइडिंग मोड्स आपको मिलेंगे, मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर आपको मिलेगा इसके मीटर कंसोल में, डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा जो कि TFT डिस्प्ले के साथ में, ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा, फुली LED हेडलाइट आपको इस गाड़ी में मिलेगी। उसके अलावा जो है इसकी जो प्राइस है वो लगभग 1.70 lakhs तक जाएगी एक्स शोरूम, जो कि डोमिनार वगैरह से थोड़ी सी ज़्यादा है। बट यदि डोमिनार से हम कंपेयर करेंगे तो फीचर्स में जो है डोमिनार काफ़ी पीछे रह जाएगी। ऐसे में जो है TVS अपनी बाइक को लॉन्च करेगी एंड जो है 250 सीसी सेगमेंट में एक कंपटीशन क्रिएट करने वाली है। सो गाइस ये थी कुछ आज की बाइक जो कि TVS की तरफ से आने वाली है 2021 में। सो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप जो सबसे ज्यादा कौन सी बाइक के लिए वेट कर रहे हो। बाकी जो इसमें मैंने एक स्कूटर भी ऐड किया था जुपिटर 125, जिसका कि बिल्कुल कंफर्म है। देखो मैं बता देता हूं आपको कि इसका टोटली कंफर्म है कि आपको 2021 में देखने को मिल जाएगी। यहां पे जो है जैपलिन का पूरा कंफर्म है, जुपिटर का पूरा कंफर्म है, फियरो 125 का टोटली कंफर्म हो चुका है एंड जो है
RR310 का नेकेड। यहाँ पे जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है वो है सिर्फ RDR 250 के साथ में, बाकी जो आपको सारी बाइक्स 2021 में देखने को मिल जाएगी जो कि कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग हमें पता चला है। बाकी ये कुछ आज की वीडियो में, कोई भी डाउट्स हो नीचे जो है इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया है, जाके फॉलो कर लीजिए और जो है आप मेरे से वहाँ पे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।